Hello friends, I'm BMP and you are watching BMP Nursing Classes. If you really want to know about your health, know about your life, how to become healthy, how to live a healthy life, then subscribe this channel and press the bell icon right next to it so that you can find my latest videos notifications first. So without further ado, let's get started. The topic of today's video is very important. How to do care of old person. वृद्ध लोगों की, ओल्ड पर्सन्स की केयर कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि यह टॉपिक सभी के लिए हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है, क्योंकि सभी लोग ओल्ड पर्सन की केयर करते हैं और करनी पड़ती ही है. चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो, सभी की केयर तो करनी ही पड़ती है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नो व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर टू द ओल्ड पर्सन. फर्स्ट, द एनवायरमेंट जहाँ पर वो रहते हैं कैसा होना चाहिए. काम, शांत, आरामदायक और वेंटिलेटेड होना चाहिए. वहाँ पर हवा भी आए और रोशनी भी आए. दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, बिफोर मेन्यू प्लानिंग मेक श्योर कि आप उनकी पसंद नापसंद और उनकी एबिलिटी कि वो क्या खा सकते हैं, क्या चबा सकते हैं, क्या पचा सकते हैं, क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो भी चेक कर लें. इससे क्या होगा, जब आप भोजन बनाएंगे, जब आप प्रिपेयर करेंगे फूड, तो वो भोजन कैसा होगा, वो आसानी से पच जाने वाला होगा उनके लिए. और भी बात याद रखनी है कि भोजन कैसा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आसानी से पचने वाला होना चाहिए. इसके अलावा स्वादिष्ट होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषक तत्व वाला होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएं ओल्ड पर्सन को. नेक्स्ट पॉइंट, जब वो रेस्ट कर रहे हैं, जब वो आराम कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करें. जैसे कभी कभी बच्चे जब होते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, तो उनको परेशानी होती है, इरिटेबिलिटी होती है. इसलिए मेक श्योर कि जब भी वो रेस्ट कर रहे हैं तब उनको कोई परेशानी ना हो, वो आराम से आराम करें. मलमूत्र त्यागते के समय प्रॉपर पोजिशन होनी चाहिए, एंड उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करें जिससे कि उनको शर्म ना लगे. लाइक उनको भी शर्म लगती है ना, इसलिए प्राइवेसी मेंटेन रखें. केयर ऑफ नेल्स, उनके नाखून काटते रहें. केयर ऑफ हेयर्स, उनके बालों की भी देखभाल रखें, उनके बॉडी की भी देखभाल रखें. लाइक उनको बाथिंग प्रोवाइड करें. एंड ओरल कैविटी जो उनका मुँह है उसकी भी केयर रखें, क्योंकि वो खुद से तो केयर कर नहीं सकते इस समय, इसलिए उनकी आप केयर करें. उनका ओरल जो है, माउथ है, वो क्लीन रखें. जो पेरिनियल एरिया है, जो नीचे का एरिया होता है, वो भी क्लीन रखें. बात करते समय जब भी उनसे बात करें तो मेक श्योर कि आप धीरे से बात करें, सॉफ्टली बात करें. ऐसा नहीं कि उनको कम सुनाई देता तो चिल्लाएं, ज़्यादा चिल्लाएं, ऐसा नहीं. आराम से बात करें और ऐसा बोलें कि वो सुन पाएं, क्लियरली बोलें. सहानुभूति रखें उनके साथ. ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हो गए तो उनको घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं. उनके साथ सिंपैथेटिक रहें, सहानुभूति रखें कि वो अपने हैं. उनको घर से बाहर निकाल दिया, जाओ उनको बाहर खाना दे दो जाके, ऐसा नहीं. साथ में इन्वॉल्व करो उनको, परिवार के साथ में रखो, जिससे उनको लो फील नहीं होगा, उनको जो सेल्फ इस्टीम होगी वो लो नहीं होगी. इसलिए आप अच्छे से केयर करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को फॉलो जरूर करें. और पॉइंट्स हैं, हेल्प इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मीन्स जो भी मनोरंजन की चीज़ें हैं उनमें हेल्प करें. उनको पढ़ना पसंद है, किताबें प्रोवाइड करें. उनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, उनको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करें. एंड उनको म्यूजिक पसंद है तो उनको म्यूजिक सुनाएं. टेलीविज़न पसंद है तो टेलीविज़न भी दिखाएं, इससे वो हैप्पी फील करेंगे. अलाउ फॉर सोशल फंक्शंस, जैसे कि बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, वहाँ पर आप उनको अलाइव करें कि वो भी जा सकें, ऐसा उनको अलाइव करें. एंड उनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनको भी परमिशन दें कि वो उनसे मिल सके, उनसे बातें कर सके. ऐसा उनके जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें. जो भी वो मानते हैं, जो भी वो जानते हैं, जो भी मानते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दें. घर के जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उनमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. जब भी कोई डिस्कशन हो रहा है फैमिली मेम्बर्स में, जब भी कोई डिसीजन लेने की बात हो रही है, तो उनको भी इन्वॉल्व करें कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या परफेक्ट है. क्योंकि ओल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा ही
एक प्रकार से नॉलेजबल कह लें या फिर एक्सपीरियंस्ड कह लें होते हैं, तो उनसे भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को अलग फील नहीं करेंगे। और इस प्रकार से आप उनको इम्पोर्टेंस दे करके आप अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अपना फील करा सकते हैं। उनकी जो चेकअप्स होते हैं उनको भी कराते रहें, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनके भी चेकअप्स कराते रहें। एंड जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जैसे कि कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है कुछ ख़रीदने की, तो उसको भी पूरा करें। फाइनेंशियल नीड्स मतलब उनको रुपए पैसों की नीड है, वो भी प्रोवाइड करें। एंड आफ्टर ऑल बी रिस्पेक्टफुल वाइल प्रोवाइडिंग केयर, उनको सम्मान दें। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में खरीदी नहीं जाती, खरीदने से नहीं मिलती, सिर्फ आप उसको सीखनी पड़ती है। आप रिस्पेक्टफुल रहें वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू द ओल्ड पर्सन। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल प्रोवाइडिंग द केयर टू द ओल्ड पर्सन। यदि आप इनको फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओल्ड पर्सन इस प्रकार से अपने आप को लो फील करेगा। सो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करो और ओल्ड्स की अच्छे से केयर करो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड आई BMP फ्रॉम BMP नर्सिंग क्लासेस लव यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।